अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटेल में, उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे बुक से कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या बातें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये टॉपिक सफा नंबर 14 पर लिखा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से चार शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये कि अपने बुक के पेज के इस साइड पर आपने लिखना है कि वो चार शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है उसमें वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और इसके आगे आपने लिखना है वी ब्रैकेट में, जिससे आपको पता चल जाए कि इसको वी से शो किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट को भी वी से शो किया जाता है, तो आप इसको वी से शो कर दें, वैसे आप वी से ना भी शो करें तो ठीक है। अगली जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीसरी डेफिनेशन है जो आपने इस टॉपिक में याद करनी है, और इसको डेल्टा वी से शो करते हैं, ये भी लिख लेना आपने। और आखिरी डेफिनेशन आपने करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से या डेल्टा यू से शो करते हैं। ये चार बातें आपने एज इट इज अपनी अपनी किताबों पर लिखनी है, यानी इस पूरे टॉपिक में हमने कितनी बातें डिस्कस करनी है, तो टोटल ये चार बातें हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। बात समझ रहे हैं मेरी? बाकियों को भी जरा ज्वाइन कर लेने दें, मैं ग्रुप में मैसेज भी कर देता हूँ। चलें, बाकी खुद आते फिरेंगे फिर। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि ये जो पहली पहली कुछ लाइनें लिखी है ना, ये इसमें से कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ये सारा बस एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने कल बड़ी डिटेल में पढ़ लिया, तो इधर से तो कुछ याद नहीं करना, बस ये चार डेफिनेशन याद करनी है। मैं भी आपको निशान लगवा देता हूँ इंपॉर्टेंट बातों के भी, बाकी चीजों के भी। चलें आगे चलते हैं, यहाँ तक अपने पेज को तैयार कर लिया सबने बुक के। शफक कह रही है नो, भाई क्यों नहीं किया शफक, कर ले इसको तैयार जल्दी से। अच्छा, अगली चीज जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, देखें जरा। इस पॉइंट पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डेल्टा वी से शो करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर नीचे इसका फार्मूला है, अब वो फार्मूला मैं समझाता हूँ ऊपर, जरा देखें ध्यान से फार्मूले को, ध्यान से समझिएगा। देखें, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट चार्ज,
यानी आप जरा समझे इस फॉर्मूले को, कल भी मैंने समझाया था, दोबारा समझ लें। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर ए से लेकर बी तक जितना वर्क किया है किसी चार्ज पर, उसको डिवाइड करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कैसे पता चलती है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना वर्क हुआ है उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर। ओके बच्चे, अब आपको पता है डेल्टा वी का क्या मतलब है? डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल को वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, तो ये जो बी वाली प्लेट है ना, इसके ऊपर पोटेंशियल होगा वी बी, और ए वाली प्लेट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? वी ए। अब आपको बी वाली प्लेट से ए वाली प्लेट तक किसी चार्ज को उठाकर लाने में, किसी भी चार्ज को उठाकर लाने में बी से ए तक जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ए और बी के दरमियान क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी वी बी माइनस वी ए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। बात समझ रहे हैं? और ये आपके पास बराबर है आगे से वर्क ए बी के, और वर्क ए बी जो है वो तो एनर्जी होती है। एक्चुअली मैंने कल आपको बताया था कि आप बॉडी पर जो वर्क करते हैं वो वर्क एक्चुअली स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को शो करते हैं डेल्टा यू से। यानी ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि ये है डेल्टा यू डिवाइड बाय क्यू नोट। अब ये डेल्टा यू क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो वर्क डन था वो वर्क डन कन्वर्ट हो गया था इन द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वर्क डन जब आप किसी भी बॉडी पर करते हैं तो वो वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब कल मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, आज मैंने रिवाइज करवा दिया कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आते हैं तो जितना वर्क डन चार्ज पर करना पड़ता है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का उतना ही डिफरेंस होता है। बात समझ आ गई? यूनिट इसका वोल्ट ही होता है, उसमें आपने कोई ऐसी ऐसे बात नहीं कर। चलिए ये अपनी अपनी बुक को यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी हैं एज सच अपनी किताब पर लिखें, अपनी बुक को ऐसे ही तैयार करें जैसे मैंने लिखा है। जल्दी करें, शाबाश, 2 मिनट आपके पास, जल्दी करें। जब हो जाए तो ओके करें फिर।
वेलकम बैक। देर वॉज अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम मैंने शेयर की है और वो प्रॉब्लम अभी गई नहीं है, तो दुआ करें कि आज काकरोच हमें बख्श दे। एक्चुअली मैं लेक्चर पढ़ा रहा था, अच्छी बात है कि मैंने वीडियो बंद की हुई थी, नहीं तो मजाक बन जाता। वो बेचारा उड़ता हुआ है और वो इधर से गुजर के इधर चला गया, तो कॉकरोच था एक उड़ता हुआ। बहरहाल उड़ते हुए कॉकरोच से तो हर बंदा डरता है, सारी बात। बहरहाल दुआ कीजिएगा कि दोबारा कहीं नमोदार ना हो जाए, क्योंकि मिला नहीं है, वो मारा नहीं है अभी हमने। मेरे घर वालों का कहना है कि आपका वहम था। मैं ये बता रहा हूँ कि उड़ते हुए कॉकरोच से किसको डर नहीं लगता, अगर कॉकरोच उड़ने लग जाए तो फिर हर बंदा ही डरता है उससे, सारी बात है। उड़ते हुए कॉकरोच से तो हर बंदे को डर लगता है। तो बहरहाल दुआ कीजिएगा कि दोबारा कहीं नजर ना आ जाए मुझे, वरना बीच लेक्चर में मुझे फिर थोड़ा टाइम जाया करना पड़ेगा। अच्छा बच्चे देखें जरा, यहाँ पर मैं आपको मार करवा रहा था बुक से। अच्छा उसके बाद आप देखें ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये कैसे आई है, इस इक्वेशन को समझें भला। आप देखें, मैंने अभी आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है डेल्टा यू बाय क्यू नॉट के, अभी पढ़ा ना ये आपने। अब आप क्यू नॉट को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास फार्मूला आएगा डेल्टा डेल्टा यू का, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है क्यू नॉट डेल्टा वी। तो ये वाला फार्मूला जो है ये वहां से आया, और ये किसके बराबर है, वर्क ए बी के। यानी आपको पता ना जो एनर्जी है वो तो वर्क से ही आई है, तो ये आपने यहाँ से वर्क का फार्मूला याद रख लेना है। वर्क का फार्मूला है क्यू नोट डेल्टा भी, और यही फार्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब आपने इसकी एक और डेफिनेशन याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की एक और डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है पर यूनिट चार्ज, अब जरा समझिए ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मैंने अभी बताया ना, डेल्टा यू का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जी बच्चों, तो यहां से मैं आपको एक डेफिनेशन मार्क करवा रहा था, और वो डेफिनेशन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी आप देखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये जो फार्मूला है ये यहाँ पर डेफिनेशन है, इसको भी आपने हाईलाइट करना है अलहदा से पॉइंट याद के लिए, अलहदा से एमसीक्यूज के लिए, या दो डेफिनेशन बनाने के लिए आपने इसको याद करना, ठीक है। अच्छा इसके बाद 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, जब आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख लें तो उसके बाद आपने ये रिलेशनशिप लिखना है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये रिलेशनशिप लिखना है। पहले जरा ये रिलेशनशिप समझें, क्या मतलब है जी इस रिलेशनशिप का। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब आप किसी 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क करते हैं। अगर आप 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ जाता है, 1 वोल्ट का, ठीक है बेटा। तो यहां से आपने 1 वोल्ट की डेफिनेशन याद करनी है, जो कि यहां पर है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन कीपिंग इन इक्विलिब्रियम इज 1 जूल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा यहां पर आप देखें बार बार एक लफ्ज आ रहा है इक्विलिब्रियम का, कीपिंग इन इक्विलिब्रियम। चार्ज को आपने किस सूरत में रखना है, इक्विलिब्रियम की सूरत में रखना है। आप देखें जब आप चार्ज पर वर्क करेंगे तो चार्ज के ऊपर जब आप वर्क करेंगे तो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा ना। तो आपने याद रखना है कि जो चार्ज है वो मूव करना चाहिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी चार्ज की रफ्तार तेज नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि पहले 10 थी फिर 20 फिर 30 फिर 40, नहीं, एक जैसी रहनी चाहिए। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। बात समझ आई है। तो ये बार बार जो इक्विलिब्रियम का लफ्ज आ रहा है ना, उसका मतलब यही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज को मूव करवाना है आपने। तो दिस इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, और इसके बाद आपने ये वाला रिलेशनशिप लिखना है।
ये भी आप हाईलाइट कर लें जल्दी से। चलें बच्चे हो गया, अब जरा वापिस आ जाएं। अब देखें जरा यहाँ पर साइड पर मैं आपको दो साइड बॉक्सेस, एक तो ये है और एक मेरा कल अगले पेज पर है जी, ठीक है। तो ये एक साइड बॉक्स ये है और दूसरा साइड बॉक्स ये है। ये साइड बॉक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये जो साइड बॉक्सेस हैं ये एमसीक्यूज भी आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो है ना ये ईसीजी है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी, ईसीजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ये फुल फॉर्म जो है ना ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। वो कहेगा ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने बताना है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईसीजी काम क्या करती है, तो काम में आपने याद रखना है कि ईसीजी मैयर करती है, मैयर वोल्टेज ऑफ हार्ट ऑन ह्यूमन स्किन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको यही बातें मिलेंगी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दी। कि पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो ईसीजी है उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये मैयर करती है वोल्टेज ऑफ हार्ट ऑन ह्यूमन स्किन। जब दिल धड़कता है ना तो हमारी स्किन के ऊपर वो कुछ वोल्टेज छोड़ता है, इम्पल्सिस छोड़ता है। उन इम्पल्सिस को हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और फिर हम दिल की जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताते हैं, डॉक्टर चेक करके बताते हैं। यानी जो दिल ने काम कर रहा है, यानी अच्छा काम कर रहा है, बुरा कर रहा है, हार्ट अटैक आया है नहीं आया, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से पता चलता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया भाई, ये एज इट इज आप शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लें, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप ये मेरी शॉर्ट फॉर्म ही याद करके चले जाओ, बाकी आप उसको पढ़ सकते हैं। चलें अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 ओके बाय। चलें आगे देखें हम जरा, यहां पर ये एक और साइड बॉक्स है और ये जो साइड बॉक्स है ना ये है ईईजी। पहला था ईसीजी, ये है ईईजी। अब ईईजी क्या है? ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रो, वो वाला था कार्डियो, ये ई फॉर इनसीफेलो, इनसीफेलो एंड देन ग्राफी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इनका फर्क देखना है आपने। ईईजी जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियो, ईसी जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ईईजी जो है वो इलेक्ट्रो इनसीफेलोग्राफी। और ये सारी बातें इसके वाले से लिखी हुई हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। एक्चुअली ये भी वोल्टेज मैयर करता है, लेकिन अब ये जो है ये वोल्टेज मैयर करता है ब्रेन के, दिमाग के वोल्टेज मैयर। आपको पता है दिमाग भी जो है वो बिजली से चलता है हमारा, उसमें नर्व इम्पल्सिस होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट के सिग्नल्स होते हैं छोटे छोटे। तो ईईजी करके आप दिमाग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, बाकी जो है आप वो यहाँ से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। ये नोट करना है तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। ओके हो गया बच्चे, चलें इसको मैं रेस करने लगा। 1 2 3 ओके बाय। अच्छा अब यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारी ऊपर है, यहाँ पर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। यहां भी अगर आप गौर करें तो इक्विलिब्रियम का लफ्ज आया है। किसका लफ्ज आया है? इक्विलिब्रियम का लफ्ज आया है। अच्छा एक और चीज जो एमसीक्यूज में याद रखनी है वो ये कि बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है या वेक्टर, तो याद रखना है वो स्केलर है, ये एमसीक्यू में याद रखना है। और ये वाला जो है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का लफ्ज याद रखना है। इक्विलिब्रियम के लफ्ज का मतलब यहाँ पर ये है
कि बॉडी की जो वेलोसिटी है यानी चार्ज के मूव करने की जो वेलोसिटी है वो आप कैसी लेंगे, वो यूनिफॉर्म लेंगे। जी बच्चे मेरी बात क्लियर होगी यहां तक आपको, यहां तक सबको क्लियर है बच्चे? अगर क्लियर है तो ओके करें शाबाश जल्दी से। जल्दी जल्दी ओके करें भाई। जी बच्चे तो हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें चार डेफिनेशन है टोटल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, दूसरी है 1 वोल्ट, तीसरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और चौथी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, वो लिखी नहीं, लिखी नहीं है, तो आप कोई खुद देख के लिख लें, मतलब कोई खाली जगह मिलती है ना पेज पर कहीं पर, तो आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसकी डेफिनेशन लिख लें। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कल मैंने लिखवाई थी वैसे, लेकिन मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज, इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको शो किया जाता है डेल्टा यू से, या आप यू से शो कर लें जिससे आपका दिल करता है, यू से शो किया जाता है इसको। और ये बराबर होती है क्यू नॉट डेल्टा वी के, ये बात याद रखिए। और यूनिट इसका जो है वो जूल होता है, हर तरह की एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल होगा, तो ये भी एक एनर्जी है तो इसका यूनिट भी क्या होता है, जूल। जी बच्चे क्लियर हो गया? ये भी बात आपने लिख लेनी है ध्यान से। चलें इसको रेज करते हैं। अब हमारा जो आज का लेक्चर था जो कि मैंने छोड़ दिया एक्चुअली आपको पीछे से क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि जब तक पीछे से क्लियर नहीं होगा आगे से पढ़ने का फायदा कोई नहीं है, वो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसको पढ़ें, तो इसको फिर हम कल ही डिस्कस करेंगे। आज जो वक्त हमारे पास बच गया है उसमें हम अपनी फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्कस करना जरूरी है आपके लिए, तो मैं वो डिस्कस करवाता हूँ। देखें जरा ये टॉपिक पढ़ने के बाद वो आपको आ जाने चाहिए। देखें जी, ये पहला सवाल आपके सामने आपकी एक्सरसाइज का, आपने इसको मार्क भी कर लेना ऐसे। द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। पोटेंशियल क्या है? कॉन्स्टेंट। मेरी बात तवज्जो से समझिएगा, यहां पर वो ये कहता है कि पोटेंशियल यानी वी वो कॉन्स्टेंट है। अब अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा वी तो जीरो होगा ना, यानी अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं आएगा, और चेंज नहीं आएगा तो चेंज क्या होगा, चेंज जीरो होगा। तो जो वी है यानी पोटेंशियल, वी का मतलब पोटेंशियल, तो ये मैं लिख देता हूँ, वी का मतलब यहाँ पर है पोटेंशियल। तो आपका जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट है, और पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होने का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल क्या है, जीरो। फिर वो कहता है इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। अब पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है या नॉन जीरो है? अच्छा, अब इसमें आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना उसका फार्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फार्मूला भी हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब अगर आप केस देखें तो आपका जो डेल्टा वी है वो जीरो है, और अगर आपका डेल्टा वी जीरो है तो सीधी सी बात है कि इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगी, जीरो। तो इसका जो आंसर है वो है जीरो, और प्रूफ जो है वो आप इसमें ये वाला देंगे। क्लियर होगी बात बेटा? ये 12.1 क्लियर है सबको? अगर पोटेंशियल किसी चार्ज के गिर दिया किसी भी जगह पर कांस्टेंट रह रहा है तो उस केस में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। ओके हो गया बच्चे?
दूसरे वाला देखें जी, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसको जरा समझे आप, कहता है इमेजिन करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ को होती है, बाहर को। आप इस लाइन को फॉलो करें, यानी शुरू में आप यहाँ खड़े थे, फिर आप यहाँ चले जाएं, यानी आप दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर चलकर, कहाँ जा रहे हैं, दूर आगे की तरफ जा रहे हैं। आपने दो बातें बतानी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी, यानी पहली बात तो आपने ये बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा आपने ये बताना है कि पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, आप जरा तवज्जो से बात को देखें, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की, उसका फार्मूला होता है के क्यू बाय आर का स्क्वायर। और अगर आप यहां से गौर करें तो जितना फासला ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे आप यहां से दूर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। तो पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो डिक्रीज होती है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो जो पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो भी होता है के क्यू बाय आर, याद रखना है, वो के क्यू बाय आर होता है। अच्छा, ये आर स्क्वायर नहीं होता, ये भी सॉरी आर ही होता है। अच्छा, अब ये पॉइंट चार्ज के लिए स्पेशल केस है, स्पेशल केस है फॉर पॉइंट चार्ज। इस केस में भी अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे फासला बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। तो आपने पोटेंशियल में भी यही बात लिखनी है कि जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। साथ आपने ये वाली इक्वेशन इसमें और ये वाली इक्वेशन इसमें लिखनी। जी बच्चे, समझ आई बात? तो इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। अब आपने कैपेसिटर तो देखा हुआ है, लेट से ये आपके पास एक कैपेसिटर है, आपको पता है कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो लेट से ये वाली प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव। अब ये हमें, हमने तो शो कर दिया ना, हमें पता है, लेकिन अगर मुझे ना पता हो कि कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर आप चार्ज को किस तरह डिटेक्ट करेंगे? अब यहां पर आपको आपकी 10th क्लास में जाना पड़ेगा। 10th क्लास में आपने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, चैप्टर नंबर था 11, 12, 13 में, 13 में इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में ही आपने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्कोप, याद है? तो इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करके फिर आप बताएंगे कि कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो बताएंगे कि कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ जी बच्चे, ये वाला सवाल क्लियर हो गया सबको? ये वाला भी क्लियर है? रिस्पॉन्स कर दिया करें भाई जल्दी से। अच्छा, आप कल के लिए काम सुन लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से जो चार शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12.1 से लेकर 12.3, ये दो काम मैंने आपको आज करवाए हैं, और काइंडली ये दोनों काम आपने याद कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप जोन से मर्जी नोट से यूज कर लें, मेरे रेफर करदा नोट्स तो शफीक अंजुम है, आप शफीक अंजुम से याद कर लीजिएगा। मैं आपको ना पिक्चर सेंड कर दूंगा, अगर किसी को चाहिए हो ना तो मुझे ग्रुप में वो याद करवा दे, मैं सेंड कर दूंगा शफीक अंजुम से, ठीक है? और ये जो चार शॉर्ट क्वेश्चन है इनकी डेफिनेशन भी आप शफीक अंजुम से याद कर लें, वरना जो मैंने मार्क करवाई है ना बुक से, आप वो याद कर लें, वो भी ठीक है। ठीक हो गया बच्चे?
तो ये आपका आज का लेक्चर था, और कोई ऐसा काम है नहीं जो मैं आज करवाऊँ आपको, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम आसानी से कल डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।